हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वैसे तो हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, लेकिन चार फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। जो हमारे पास बेसिक फोर्स होती हैं वो ये चारों ही होती हैं, ठीक है। बाकी की जितनी फोर्स है वो किसी ना किसी तरीके से इन्हीं चार फोर्सेस का एक रूप होती है, ठीक है। और इन फोर्सेस के अंदर जो सबसे पहली फोर्स हमारे पास है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन बाबा ने बताया था, जब उन्होंने किसी पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था। और न्यूटन बाबा को ही फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। और उन्होंने क्या बताया था कि इस यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में उनके मासेस के कारण एक फोर्स लगती है, जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया था। जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करती है। मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ऊपर की तरफ फेंक दो वो नीचे तरफ वापस आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में उनके मासेस के कारण जो फोर्स लगती है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस क्या है? r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर तुम मास बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगी, अगर तुम मास घटाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटेगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी, अगर तुम डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगी। दोनों को एक साथ ही देते हैं, फोर्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब एक बात याद रखना कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब भी हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहां पर क्या आएगा? कैपिटल G आएगा। ये कैपिटल G क्या है? यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला है। यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू इस यूनिवर्स के अंदर हर जगह के ऊपर सेम होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर के अंदर, ये फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो हमारे पास चार फोर्सेस होती हैं, उन चारों फोर्सेस के अंदर जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस के ऊपर भी क्या कर सकती हैं? ऑपरेट कर सकती हैं।
अब अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तब भी ये क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है ये फोर्स। तो ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस के ऊपर भी क्या कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं। ये फोर्स जो प्रॉपर्टी है वो है ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती हैं। इनवर्स स्केयर लॉ का मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस फोर्स के अंदर ऐसा ही होता है कि फोर्स है वो जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती हैं। फिर जो प्रॉपर्टी है वो है ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, इनके सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करती हैं। सपोज करो ये फोर्स ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जाएगा इसी लाइन के अलोंग, ठीक है, वो कुछ ऐसे नहीं जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा, जो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी लाइन के अलोंग ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्स है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, इस फोर्स के द्वारा या इस फोर्स के अगेंस्ट जो बर्डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस फोर्स के बारे में हम फोर्थ यूनिट के अंदर भी पढ़ेंगे, और जो ये टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस टॉपिक को पूरी डिटेल के अंदर हम सिक्स यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। सिक्स यूनिट जो हमारी ग्रेविटेशन वाली यूनिट है उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इसकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो फोर्स है वो है वीक फोर्स। तो वीक फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। एलिमेंट्री पार्टिकल जिनके बीच जिनका लाइफ टाइम है काफ़ी कम होता है उनके बीच में जो फोर्स होती है वो फोर्स कौन सी होती है, वीक फोर्स होती है। और ये फोर्स डिस्कवर कब हुई थी, ड्यूरिंग द बीटा डीके, ठीक है, जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को बाहर निकालता है तब ये फोर्स डिस्कवर हुई थी। बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है, बीटा पार्टिकल एक तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जब बीटा डीके होता है तब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और थ्योरी के हिसाब से क्या मिला था हमें, जितने भी बीटा पार्टिकल एमिट होंगे उन सभी बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है वो वेरी कर रही थी, वो चेंज हो रही थी, वो वेरी कर रही थी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉली ने 1930 के अंदर एक पोस्टुलेट दिया, और उन्होंने क्या कहा कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तब उस बीटा पार्टिकल के साथ साथ एक अनचार्ज पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है।
ठीक है, जब बेटा पार्टिकल एमिट होगा तो उसके साथ साथ एक अनचार्ज पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी क्या होगा, एमिट होगा। और जो बीटा पार्टिकल के दौरान, बीटा डिके के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ये दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। जब बीटा पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होगी तब उसकी मिनिमम होगी, जब इसकी मिनिमम होगी तब एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, ये बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो ही इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के साथ वीक फोर्सेस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सॉरी, यही फोर्स हमारे पास क्या है, वीक फोर्स है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये फोर्स 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फोर्स 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। नाम वीक फोर्स है लेकिन फिर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^25 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ये, ठीक है। बाकी दो फोर्स है उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।